दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट फिन एप्लीकेशन से लोन लिए हो और अगर आपको अब ये वाला जो अकाउंट है वो यूज नहीं करना है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट फिन के अंदर जो मेरा अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो इस पर ये वीडियो बनने वाला है। और आज आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ मैं नेक्स्ट फिन का जो अकाउंट है वो डिलीट करके आपके सामने दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछें। हम नेक्स्ट फिन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फिन जो एप्लीकेशन है वो फाइनेंस एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पिन डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिन एप्लीकेशन एक फाइनेंस एप्लीकेशन है मेरे भाइयों, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 50,000 रुपये तक का ये जो एप्लीकेशन हमको लोन दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट फिन RBI से अप्रूव है, NBFC पार्टनर है। अब हम चाहते हैं, देखो जब तक लोन मिलता है ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि लोन मिलता भी नहीं और हमारी प्रोफाइल बन जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है, यहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने हाइड की है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो मैंने इस एप्लीकेशन से 2-3 बार लोन लिया है, ठीक है, 2-3 बार लोन लिया है, तो काफ़ी अच्छा इसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे देखने को मिला। लेकिन अभी क्या है कि हम जो है इससे रिलेशनशिप अपना ख़त्म करने वाले हैं, हम जो है अपना अकाउंट जो है वो डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे लोन लेना है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस करना होगा मेरे भाई। आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 2 डॉट का, किसी किसी में 3 डॉट रहते हैं, इसमें 2 डॉट है खाली, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है मेरे भाई, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है सेट पिन का, टर्म्स एंड कंडीशन, सिक्योरिटी पॉलिसी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पर लॉगआउट का भी ऑप्शन है, और यहाँ पर लिखा डिलीट माई अकाउंट, ठीक, यहाँ पर लिखा डिलीट माई अकाउंट। आप इस वाले जो है सेक्शन को फोकस करें, डिलीट माई अकाउंट। देखो ऐसा बहुत कम एप्लीकेशन जो ऑप्शन देती हैं, हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फाइनेंशियल कंपनी वालों से कि जो अपना ऐप चलाते हैं वहां पर डिलीट माय अकाउंट का भी ऑप्शन दे दे तो अच्छा है, क्योंकि भाई जिस बंदे को जब तक लोन लेना है लेगा और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। हालांकि एक सिक्योरिटी उसको भी रखना है कि जब तक उसका लोन चल रहा है इस ऐप के अंदर तब तक ये वाला फीचर जो है हाइड कर दिया जाए, और जैसे ही उसका लोन क्लोज होता है, फाइनल होता है, तो ये वाला फीचर जो है वो वापस से ला दिया जाए, ताकि वो जो है बंदा अगर उसका डिसाइड होता है अकाउंट डिलीट करने का तो वो डिलीट कर सके। मेल करने का जो झमेला है वो ख़त्म कर दिया जाए। ये RBI की पॉलिसी ऐसी निकालना चाहिए जो कि सभी एप्लीकेशन जो है लॉन्च करें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। हालाँकि मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार रिलेशनशिप बनाए, लोन लिया, रिपेमेंट किया, मुझे नीड नहीं है लोन की, रीपेमेंट जब लोन की जरूरत नहीं तो हम इसको जो है बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा है आर श्योर यू वेंट टू डिलीट दिस अकाउंट, आप बिल्कुल मतलब आप जो है इसको डिलीट करना चाहते हो, आप सोच लिया, समझ लिया आपने, तो जी हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ अपना सोच समझ के ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डाटा लॉस हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे, और ये प्लीज़ वेट थोड़ा सा इंतजार होगा, और ये दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट हो गया। नए सिरे से नेक्स्ट फिन में आपको फिर से लॉग इन करना होगा, और जो भी लोन आपको लेना है वो आप ले सकते हो। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है, और मैं तो आपको यही कहूँगा कि जिस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करते हो उसको आप डिलीट कर दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।